हेलो स्टूडेंट्स सभी लोगों का स्वागत है बायोलॉजी विलेज पे और दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ दिस सीरीज अबाउट द फैमिली क्रूसिफेरी इन विच बी विल डिस्कस थर्टी वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्स यूज दैट आर कंप्लीटली रिलेटेड टू द फैमिली क्रूसिफेरी ठीक है तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक से ठीक है ट्रीज़ आर अपसेंट इन द फैमिली ठीक है क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रीज अप्सेंट हैं किस फैमिली में ट्रीज नहीं होते हैं सोलन एसी ब्रेसिकेसी फेबेसी एंड एस्ट्रेसी ठीक है अब यहाँ पे एक आइडिया ये भी है कि हमने क्रूसी की स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे भी क्लियर हो जाएगा कि आंसर कहाँ से आएगा डायरेक्टली ब्रेसिकेसी जो क्रूसी का दूसरा नाम है ठीक है अच्छा यहीं पर क्वेश्चन और बताना चाहता हूँ वो प्लांट ग्रुप से है कि एक ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसमें कोई भी हर्ब्स नहीं है ट्रीज सिर्फ्स एंड हर्ब तीन प्लांट होते हैं ना जनरली ठीक है तीन तरीके के तो एक प्लांट ग्रुप है जिम्नोसपम्प जिसमें एक भी हर्ब प्लांट नहीं है ठीक है इसे नोटिस करना और यहां पे हम फैमिली की बात कर रहे हैं क्रूसी जिसमें कोई भी ट्री प्लांट नहीं है ट्री नहीं है मतलब बूढ़ी जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द गार्डन क्रेस द गार्डन क्रेस, क्रेस। इज द नेम ऑफ ठीक है तो गार्डन क्रेस का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है क्योंकि तीन क्रेस टाइप के प्लांट बताए हमने बल्कि चार बाटक क्रेस बेटर क्रेस एंड गार्डन क्रेस यहाँ पर बॉटनिकाल में पूछा जा रहा है गार्डन क्रेस और इसका एक सिग्निफिकेंस भी पूछा गया है कि ये लिवर डिजीज में आपका एप्लीकेबल होता है ठीक है तो इसका आंसर आप देखें आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा मेरा लेक्चर वन और लेक्चर टू तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि लेपेडियम सटाइबम को कहते हैं गार्डन क्रेस जो कि क्रूसी का एक मेम्बर है और ये आपका आता है अर्नामेंटल कैटेगरी में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है दी एडिबल पार्ट आ फैमली ब्रस् प्लान्ट होता है जिसका नाम है ब्रस्काा रेपा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सलजम या इंग्लिश में बोलते हैं टर्निप तो क्या चीज़ हम खाते हैं टर्निप की फ्लैसी रूट्स फ्लैसी स्टेम लीप्स एंड आलोदी थी एप ठीक है तो आप देख सकते हैं कि हम जो खाते हैं टर्निप का नीचे का पार्ट वो फ्लैसी रूट्स होते हैं ठीक है काइज आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखते हैं कि इन ब्रेसिकेसी द फ्लावर्स आर जैगो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पूरी फैमिली कृसी फेरी और ब्रेसिकेसी फैमिली है उसमें सब में फ्लावर एक्ट्रोमार्फिक होते हैं एक्ट्रोमार्फिक का मतलब समझ रहे हैं कई जगह से हम उसे दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं जैगो मार्फिक का मतलब होता है कि हमारे पास केवल एक पॉइंट है जहाँ से हम उसे मतलब सेंटर से हम उसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं तो इसका एक प्लांट होता है एवरेस्ट एम जिसे हम बोलते हैं कैंडी टफ्ट ठीक है उसमें जो होती कंडीशन ये होती है जैगोमॉफिक फ्लावर होता है ठीक है गाइज तो ऑप्शन थ्री नंबर जो है यहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहा है कि इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बेसिक एसी बेसिक एसी का फीचर नहीं है अगर आपने मेरा लेक्चर फर्स्ट देखा है तो आपको कोई भी डाउट नहीं है कि डाई मेरे साथ टेटामेटस फ्लावर होते सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से आता है टेटामेटस फ्लावर से ही क्रास बनता है जो क्रिश्चियन टाइप क्रास होता होता है एक्स उसी से इसका नाम रखा गया क्रूसीफार्म क्योंकि इसे क्या बोलते हैं क्रूसीफार्म बोलते हैं ठीक है अच्छा उसके बाद सीरो सेप्टम जो ओबरी होती है जनरली बाईलोकुलर होती है बट सीरोप्टम के बनने से ये ओबरी जो होती है कुछ केसेस में ट्राइलोकुलर हो जाती है अच्छा उसके बाद टेट्रा डायनमस कंडीशन सिक्स स्टेमेंस होते हैं दो बाहर के जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और इनर साइड के जो बीच के होते हैं वो बड़े होते हैं ठीक है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं टेट्रा डायनिस और इन्फीरियर ओबरी ठीक है इन्फीरियर ओबरी नहीं होती है ठीक है इन्फीरियर ओबरी बहुत ही लिमिटेड फैमिली मैंने एक दो फैमिली आपको पढ़ा चुके हैं उन पर इफीरियर ओबरी होती है बताऊंगा आगे ठीक है तो इन्फीरियर ओबरी ना होकर यहाँ पे कौन सी ओबरी होती है सुपीरियर ओबरी होती है तो इज नॉट ए फीचर में आपका आंसर है फोर किसी इन्फीरियर ओबरी नहीं बल्कि यहाँ पे ओबरी होती है सुपीरियर ठीक है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें आदि फॉलोइंग इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ राई राई हम समझते होंगे कि राई जो सरसों की तरह एक दूसरा प्रोडक्ट होता है जिससे हमें ऑयल मिलता है ठीक है तो राई का बॉटनिकल नेम क्या है ठीक है तो राई ही को इंडियन मस्टर्ड बोलते हैं जिसका नाम होता है ब्रेसिका जुन्सिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है ये राई के नाम से, इंडियन मस्टर्ड के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोला इज क्रूसी फार्म जो आया था क्रूसी फार्म एक टाइप का ये सिंबल होता है इस तरीके का ठीक है और अन एक ये, ये भी कंडीशन होती है तो किसमें होते क्रूसी फार्म से क्लियर हो गया आपका आंसर आंसर क्या होगा फोर ब्रेसिकेसी ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके नाम ड्राइव होता है अच्छा इसके बाद अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी से कंसर्न आंसर है कि एवरेस्ट हमारा जो हमारा प्लांट है कैंडी ट्रफ्ट उसमें जाएगा माफ़ी होती है बट इसका वजह क्या है ठीक है इसकी क्यों होती है इसमें आउटर पेटल्स इनर पेटल्स आउटर स्टेमेंस इनर स्टेमेंस तो ये वजह होती है आउटर पेटल्स की वजह से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है जस्ट अभी बताया था कैंडी टफ्ट का क्या नाम है एवरेस्ट हमारा को कैंडी टफ्ट कहते हैं जो कि इस पूरी फैमिली का एक्सेप्शनल प्लांट है जिसमें फ्लावर्स जाए होते हैं ठीक है और वैसे ये प्लांट जो होता है अर्नामेंटल्स में, में काम आता है ठीक है ब्यूटीफुल प्लांट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेजेंस ऑफ मायरोसिन इज ए करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फैमिली ठीक है एक अंजाम होता है मायरोसिन किस फैमिली का करैक्टेरिस्टिक फीचर है तो मायरोसिन ग्लूटा ग्लूकोसाइनोलेट ये सब जो फीचर्स हैं फैमिली ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी का फीचर्स हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आर दॉलोइंग एज ए रीसेरेक्शन प्लांट रिसरेक्शन प्लांट कहीं भी हो सकता है जरूरी नहीं क्रूसी फेरी में हो रिसरेक्शन एक टाइप की हैबिट है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वे कंप्लीटली ड्राई हो जाते हैं हमें ऐसा लगेगा खत्म हो गया बट ऑनसेट ऑफ रेनी सीजन या आनसेट या गेटिंग द मॉइस्चर दे फर्दर रिवाइव तो उस क्वालिटी को उनकी रिसरेक्शन बोला जाता है और ऐसे प्लांट में जो होती है तो उसे रिसरक्शन प्लांट बोलते हैं ठीक है तो ये किस में होती है आपसे ये पूछा गया है मस्टर्ड फेमी प्लांट में नस्टिकिया हर चुनटिया अरमोसिया रेस्टिकना अरिनेस एक्जटेलिस एवरेज अमारा किस ग्रुप में या किस प्लांट में सॉरी किस प्लांट में ये क्वालिटी होती है तो आपको ये बताना है किस में होती है तो इसका करेक्ट आंसर है एनेस्टिका हायरो चुनटिया एक प्लांट है जिसका आप अगर इकोनॉमिक बॉटनी का दूसरा लेक्चर देखेंगे मेरा जिसमें इकोनॉमिक बॉटनी बताई है हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फैमिली उसमें इसका कॉमन नेम भी बताया है बहुत ही फेमस है उस लेक्चर को जरूर देखें ठीक है अच्छा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में देखिए सिलूकुआ फ्रूट इज ए ऑफ फैमिली तो इसमें कोई डाउट नहीं है जो ब्रेसिकेसी का फ्रूट होता है ये ऐसे फ्रूट की क्वालिटी होती है कि बहुत ज़्यादा जो इनका लंबाई चौड़ाई जो होती है वो इक्वल होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्टीन फैमिली ब्रेसिकेसी या क्रूसी फेरी इज करक्टाइज बाई मार्जिनल प्लेसेंटेशन पराइटल प्लेसेंटेशन बेसल प्लेसेंटेशन एंड एक्चुअल प्लेसेंटेशन तो हमने आप बताया था कि सुपीरियर होबरी बाइलोकुलर हो बाई तो इस कंडीशन में बनता है आपका पराइटल प्लेसेंटेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट ऑफ बेरेसिकेसी यूज इन अस्थमा अस्थमा में कौन सा प्लांट यूज अस्थमा ए काइंड ऑफ रिस्पायरेटे डिजीज ठीक है तो इसमें कौन सा प्लांट यूज होता है आपको ये बताना है कि किस प्लांट से अस्थमा की मेडिसिन मिलती है ठीक है तो पहला प्लांट है नेस्टोडियम इंडिका ठीक है इसे अस्थमा का मेडिसिन बनाया जाता है इसके बाद पेटल्स इन बेरेसिकेसी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेटल्स इन बेरेसिकेसी कैसे होते हैं लॉक केलाके फार में होते हैं दिस टाइप स्ट्रक्चर एंड क्रूसी फार्म क्रूसी फार्म तो आपको बताया था इस तरीके का फ्यूजी फार्म ठीक है ये एक सेप जैसे आप गाजर या मूली के सेब देखते हो फ्यूजी फार्म तो हमारा आंसर यहाँ पे लॉन्ग क्लास सेप्ट होते हैं पेटल्स इन क्रूसी फेरी नेक्स्ट फ्रूट इज सिलिकुला किस फैमिली में पाया जाता है तो ये हमने बताया सिलिकुला या सिलिकुआ ये दोनों बेसिकेशी के एग्जाम्पल हैं बेसिकेशी में पाए जाते हैं अब यहाँ पे एक क्लियर करना है कि जितने मेंबर दिए हैं तीन ये तीनों के तीन जो हैं ब्रेषिकेशी के हैं तो दो टाइप के बताया था हमने सिलीकुआ और सिलिकुला ठीक है जिनके बहुत कॉमन मेंबर्स हैं जैसे हम ब्रेस का तो इसमें आपका पहली वाली कंडीशन होती है ठीक है दूसरे जो रेयर वाले होते हैं ब्रेस हमारा कैप्सलासापे स्टोरेज ठीक है जैसे फेट पर्स बोलते हैं इस प्लांट को कॉमनली तो इन दोनों प्लांट में बी दो और तीन नंबर पर जो आते हैं ठीक है तो बी दो नंबर के लिए और सी तीन नंबर के लिए इनमें होता है सिलिकुला ठीक है ये थोड़ा सा लंबा टाइप का होता है इनकी लंबाई चौड़ाई में थोड़ा डिफरेंस होता है लंबाई ज़्यादा होती है चौड़ाई कम होती है और फ्लैट नहीं होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्यूलियर फीचर इन दी ओबरी ऑफ ब्रेसिकेसी इज द प्रेजेंस ऑफ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपको अच्छे से पढ़ाया है तो आप देख सकते हैं ठीक है कि पिक्यूलर फीचर क्या है फैमिली क्रूसिफेरी का तो पैराटि होता है हॉल सेप्टम ये भी होता है बायलोकुलर ओबरी ये भी होती है तो बोथ ए एंड बी और सी भी है इसमें क्या हो सकता बता ये, ये, question है बताइए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन का आंसर क्या होगा सबसे पिक्यूलियर फीचर तो है पिक्यूलियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जो यूनिक टाइप का फीचर वो है फॉल सेप्टम जिसे हमने बोला है रेप्लम क्या बोला हमने रेप्लम ठीक है रे ये क्वेश्चन नंबर एटीन में नंबर ऑफ कार्पेल्स इन फैमिली ब्रिस्के से आपको बताया ना फ्रूट बनने के लिए उन्हें बाई कार्पलरी तो कितने कारपेल्स हैं ऑप्शन फर्स्ट ही चाहिए जिसमें दो नंबर दिया हुआ है ठीक है गाइज इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं मैचिंग टाइप है मैच का क्वेश्चन है नेक्स्ट मैच कॉलम में कॉमन नेम है दूसरे में आपके बॉटनिकल नेम दिए हुए हैं आप देखिए इसमें ब्लैक मस्टर्ड फील्ड मस्टर्ड बाटर क्रेस एंड बास्केट ऑफ गोल्ड ठीक है तो आप लेक्चर देखा आएगा टू तू? तो उसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा बास्केट ऑफ गोल्ड जो होता है ठीक है फोर का बी अरेनिया सेगजा टेलिस एक प्लांट को नाम ध्यान रख लें दूसरा आप फील्ड मस्टर्ड को भी ध्यान रख सकते हैं बहुत ही कॉमन बहुत ही सिंपल है ठीक है इसे बहुत आसानी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं या फिर इसमें से बास्केट ऑफ गोल्ड को ध्यान तो रखा ही आपने ब्लैक मस्टर्ड को ध्यान रख सकते हैं ठीक है जैसे हम बोलते हैं ब्रश का नाइग्रा बहुत कॉमन होती है फील्ड मस्टर्ड को ध्यान रख सकते हैं ठीक है जिसका होता है स्नेपिस अल्वा अच्छा उसके बाद बाटर क्रेस तो बचा हुआ नेस्टेरियम ऑफिस नेलकोम बास्टर्ड प्रेस बोलते तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है नाम देखें इन टेट्राडाइमर्स कंडीशन में होता क्या है ये पूछ रहा है इन टेट्रम स्टेमस आर हमने बताया था आप कि बाहर के दो जो होते हैं वो छोटे होते हैं और तीन के बीच के चार जो होते हैं वो बड़े होते हैं ठीक है तो ये कंडीशन कहाँ पे मिल रही है आपको फोर लॉन्ग टू शॉर्ट तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मैचिंग टाइप है कुछ प्लांट के बॉट निकल नेम दिए हैं और कुछ उनके कॉमन नेम दिए हैं ठीक है तो बिटक क्रास अच्छा एक तरीके का क्वेश्चन है कि बिटक क्रेश बिंटर क्रेश बाटर क्रेश एंड अरुगुला रुर्गुला को पहले ध्यान रखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसे अरुगुला को ध्यान रख लें क्योंकि ये कॉमन नेम से भी कॉमन नेम है जैसे हमसे बोला था अभी हमने लास्ट में हम जो इकोनॉमिक बॉटनी के लेक्चर में बताया था कि टोरिया ठीक है तारा मीरा जो प्लांट बताया था एक टाइप का जैसे सरसों होती इस है इसी तरीके के सीड्स होते हैं इसके तो इसका नाम इसका इरूकिक आपने बॉटनी में पढ़ा होगा प्लांट बायो केमिस्ट्री में इरुसिक एसिड ठीक है एक टाइप का एसिड वो इसी प्लांट से इसका नाम ड्राइव हुआ एरूसिका सेटिबा बहुत फेमस है इसका ऑयल और इसका नाम अरुगुला होता है ठीक है तो इसे ध्यान रखें फोर का डी इसे क्लियर कर सकते हैं उसके बाद आप बाटक क्रेस बिंटक क्रेस से भी कर सकते हैं अभी ऊपर पहले आप लाए थे ये बाटर क्रेस ठीक है तो वाटर क्रेस सी जो था नेचरियम ऑफिसनेल इससे भी क्लियर हो सकता है आपका तो जो जहाँ पे लिखा हुआ वन टू वन बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है कि फर्स्ट का ए मतलब क्रेस कार्डामाइन हिरसुटा को बोला जाता है बिंटर क्रेस बारबेरा बल्गेरिस को बोलते हैं क्रेस नेस्टोरियम ऑफिसनेल को बोलते हैं और रोरा युजका सेटाबो को साइटाई बोलते हैं ठीक है तो ऑप्शन ए एस करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आर दॉलोइंग प्लांट नॉट बिलोंग टू फैमिली कुर्सीपेरी अच्छा क्वेश्चन है कि प्लांट अभी फैमिली पढ़ी है आप लोगों ने तो इसमें से जस्ट आइडेंटिफाई करवा रहा है कि कौन सा प्लांट नहीं है एवरेज है मैथ्योला है एलाइसम है अब आपको इसमें से मुझे लगता है जो मैंने लेक्चर में नहीं बताया अभी तक मैथियोला को नहीं बताया है ठीक है गॉसिपियम कॉटन का नाम है सबको पता है मालवेसी फैमिली को बिलोंग करता है तो आंसर तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा मगर इसके अलावा आपने जो है हैज इब, को सुना है एलाइसम को सुना है मैथियोला भी इसका प्लांट होता है जो अन्नामेंटल होता है ठीक है तो इसे ध्यान रखें क्वेश्चन आ सकते हैं फैमिली बहुत बड़ी चीज़ होती है बहुत सारे प्लांट्स होते हैं नेक्स्ट है करेक्ट नेम आप टोरिया रेपाज अभी हमने जो ऊपर बताया था पर टोरिया रेप ठीक है इसका करेक्ट नेम क्या है तो करेक्ट नेम है ब्रेस का कॉम्पेस्ट्रेस जो रेप बोली जाती है तो वो ब्रेस का ठीक है ठीके? इन क्रूसी फेरिया टू कार्पिल्स आर ओरिएंटेड टू कार्पेल जो होते हैं कैसे होते हैं ट्रांसवर्सली होते हैं आप लिख ली होते हैं तो इसका आंसर है बहुत ही क्लियर एंड कांस्टेंट आंसर ट्रांसवर्सली होते हैं ये ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में देखेंगे इन मस्टर्ड में स्टेमिन कैसे होते हैं अभी बताया था हमने इस तरीके से ठीक है तो मोनो डाइडेल्फर्स डाइडिल्फर तो बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा ट्वेंटी फाइव क्लियर करें सब लोग बताया था अभी कि दो बाहर के छोटे बीच के चार बड़े ये कंडीशन क्या बताई थी टेट्राडमस को ऑप्शन फोर इसके बाद कैबेज इज साइंटिफिकली क्या कहलाती है ठीक है अब ब्रिज्का उलरेसा ब्रिस्का तो सभी है ठीक है अब्रिस्का उलरेसर में कैबेज कौन सी हमने बताया ना कैबेज को हम बोलते हैं कैपिटाटा ठीक है ट्वेंटी सिक्स का बी जो मतलब दो नंबर पर जो आंसर है वह ठीक है ब्रेसिका ओलेसा पूरा नाम है इसका जीनस स्पेशल और वैरायटी कैपिटाइटा जब लिखते हैं तो कैबेज बन जाता है ठीक है कैबेज को कहा जाता है नेक्स्ट प्लांट है प्लांट पार्ट यूज एज वेजिटेबल इन ब्रेसिका ओलेरेसा बोट्राइटस अब देखिए हमने सेम उसी पर क्वेश्चन किया ब्रिस्का ओलेसा बोट्राइटस अगर कर दिया तो एक आंसर तो आपको पता है कि ये कैबेज नहीं है कैबेज के अलावा ये क्या है बोट्राइटस अब इसका आपको देखना पड़ेगा इकोनॉमिक बॉटनी में दूसरा लेक्चर में देखें इस फैमिली का तो आपको क्लियर हो जाएगा उसमें भी ये पूछा कि हम उसका जो पार्ट खाते हैं आप पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से गोभी बन रही है केल बन रही है खुली गोभी बन पत्ता गोभी बन रही है ठीक है तो पहले ये क्लियर हो जाएगा जैसे बोट्राइटस स्पीसीज से, से कहाँ पर फिर उसके बाद हम ये क्लियर कर पाएंगे कि इसका कौन सा पार्ट हम लोग एज ए एडेबल पार्ट यूज़ करते हैं ठीक है ट्वेंटी सेवन में देखिए तो आप देखेंगे तो ये है आपका अनराइफ इन ठीक है आपका ये कौन सी गोभी बनती है पत्ता गोभी ठीक है जो ऑन बाइ होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाल फ्लावर देखिए सनफ्लावर था यहाँ पे बाल फ्लावर है ध्यान रखना आपको बाल फ्लावर यहाँ पे सनफ्लावर कंपोजिटिव में था ए एन आर्नामेंटल मेडिसिनल प्लांट दोनों कैटेगरी में आता है तो उसका बॉटनिकल नेम क्या है तो उसका बॉटनिकल नेम होता है चायरेंथस चैरी ठीक है ऑप्शन बी इज करेक्ट ध्यान रखना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन देखें प्लेसेंटा इज पेराइटल ये तो बस क्लियर कट क्वेश्चन है हमारे चाइना रोज कोई है ही नहीं हमारे पास एक ही प्लांट हमारा है ब्रेसिकेसी में पैराइटल होता है तो ऑप्शन ये करेक्ट यार पैराइटल प्रेजेंटेशन कहाँ पर होता है ब्रेसिकेसी में होता है कोई कंफ्यूजन नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बेसिकेसी ओवरी वी कन बाईलोकुलर बाई ड्यू टू तो द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम तो उसे क्या बोलते हैं रेप्लम बोला जाता है कोई डाउट नहीं है हमें ठीक है एंड अपर कोलम डायफ्राम तो रेप्लम की वजह से ओवरी का जो पार्टीशन होता है बढ़ जाता है इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है मेडिसिनल प्लांट ऑफ ब्रेसिकेसी बहुत सारे प्लांट दिए हैं केसी के उसमें से मेडिसिनल प्लांट की बात कर रहा है कौन सा है तो कायरेंथस चेरी लेपिडियम से टाइप हमने बताया था इससे ठीक है क्रेस बनता है एक टाइप का और साइथमोब्रियम इन्फी तो ये तो ऑर्नामेंटल है लेपिडियम क्रेस टाइप का था ठीक है बाइट क्रेस और कायेंथस चेरी ठीक है ये क्या था ये भी इसके साथ ये मेडिसिनल वैल्यू भी रखता था लेपिडियम ने बताया ना तो स्किन डिजीज में काम आता है उसके बाद Uh, साइसम बिरियम इन्फ्रो ये भी इसका मेडिसिनल प्लांट है और कायरेंथम चेरस चेरी ये भी मेडिसिनल प्लांट है तो इस तरीके से ऑप्शन फोर वाला करेक्ट है है सभी जितने प्लांट दिए गए हैं वो सभी ही मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ओके थैंक यू वेरी मच गाइज्स